जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है योर नॉलेज शो में। दोस्तों, भारतीय सेना की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने DRDO के साथ मिलकर नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर कल शाम करीब 7 बजे किया गया। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अग्नि प्राइम मिसाइल को देश ही में विकसित किया गया है। इससे पहले बीते साल 7 जून को भी DRDO ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। दोस्तों, इस परीक्षण को एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में देखा जाता है, जो मिसाइल की विश्वसनीयता और सटीकता को मान्य करता है और भारत के सशस्त्र बलों में इसके संभावित शामिल होने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रक्षेपण से पहले भारत ने नोटिस टू एयर मिशंस यानी नोटम जारी किया था, जिसमें शाम 6 बजे से रात 9 बजे की समय सीमा के भीतर एक नियोजित परीक्षण का संकेत दिया गया था। दोस्तों, नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम के तहत विमान के पायलट को मौसम, ज्वालामुखी विस्फोट, हवाई क्षेत्र में प्रतिबंध, किसी पैराशूट जंप, रॉकेट लॉन्च और सैन्य अभ्यास जैसी बेहद संवेदनशील और अहम जानकारियां भेजी जाती है। अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA के नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम में गड़बड़ी के चलते हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसके चलते अमेरिका में सैकड़ों उड़ानों में देरी हुई है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम कमांड सेंटर की एक एडवाइजरी से नोटम में खराबी आई। फिलहाल तकनीकी विशेषज्ञ इसे ठीक करने में जुटे हैं। बता दें कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम में खराबी आई है। हालांकि DRDO ने आधिकारिक तौर पर लॉन्च की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस खबर की पुष्टि इंडियन एक्सप्रेस के ओडिशा स्थित पत्रकार हेमंत कुमार राउत ने की है। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण के दौरान अग्नि प्राइम मिसाइल ने अपने सभी मानकों और उद्देश्यों को पूरा किया। परीक्षण के दौरान विभिन्न सेंसर लगाए गए थे, जिनमें मिसाइल परीक्षण से संबंधित डाटा इकट्ठा किया गया। मिसाइल परीक्षण के दौरान CDS जनरल अनिल चौहान, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के प्रमुख समेत DRDO के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को बधाई दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि मिसाइल के सफल परीक्षण से सुरक्षा बलों को मजबूती मिलेगी। CDS जनरल अनिल चौहान और DRDO के चेयरमैन समीर वी कामत ने भी अग्नि प्राइम मिसाइल के सफल परीक्षण पर बधाई दी। दोस्तों, अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल एक मध्यम दूरी की मिसाइल है, जिसकी रेंज करीब 1200 से 2000 किलोमीटर के बीच है। यह मिसाइल अपनी सटीकता के लिए जानी जाती है। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल पर 1500 से 3000 किलो तक वॉरहेड ले जाए जा सकते हैं। इस मिसाइल का वजन करीब 11000 किलोग्राम है। अग्नि मिसाइल सीरीज की यह सबसे नई और छठी मिसाइल है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इस मिसाइल को विकसित किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसी मिसाइलें विकसित की गई है। अग्निप्राइम भारत के मिसाइल शस्त्रागार में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, जो देश की रणनीतिक निवारक क्षमताओं को मजबूत करता है। इसका विकास और सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों में भारत की निरंतर प्रगति को उजागर करता है। हालांकि दोस्तों, आपका क्या कुछ कहना है इस वीडियो को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।